वगन गावकस देखिए ये देखिए क्या बढ़िया नजारे यार, क्या बढ़िया नजारे। मतलब खानदेश में भी काफ़ी नजारे यार, बस देखने की कमी है। तो अभी ये देखिए नज़ारे हम दिखा रहे हैं आपको, वगन गांव का व्यू लीजिए क्या दिख रहा है भाई, सच्ची में लाजवाब। आ चुके हैं हम वगन गांव में और सामने इंडिया का फ्लैग देखिए यार, क्या बढ़िया है, सही में काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार। वगन गांव कस देखिए अम्मी, वगन गांव, हम वगन गांव में भी आ चुके हैं अभी। ये पहले वाला रोड था नेशनल हाईवे का नागपुर जाने वाला, लेकिन अभी वगन गांव को भी बाईपास किया जा रहा है। सचिन सर बघा कोण भेटला, तुमचा मेसेज पाहून आला है मला भेटायला, नेमका रस्त्यावरती भेटला, काय म्हणतो काय चाललंय? बस ठीक, तू सांग कसा आहे? मजेत एकदम। आता काय पुढे? मुक्तनगर, मुक्तनगर हो। सही, थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी हमारी स्टोरी शेयर की है। जड़गांव जिला पेज हुए, मतलब जड़गांव सिटी, ऐसे दो तीन पेजेस है जिन्होंने स्टोरी शेयर की। उनकी स्टोरी देख के बहुत से लोग हमसे मिल गए, अभी वगन गांव में भी दो लोग मिले। अभी आगे का सफ़र बाकी हमारे, और कितने लोग हमसे जुड़ते हैं और कितने दोस्त, नए दोस्त बनाते हैं हम लोग। सफ़र करने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि यार नई नई जगह घूमने मिलती है और नए नए दोस्त बनते हैं। सफ़र के दौरान काफ़ी सारे नए दोस्त बनते हैं और ऐसे दोस्त हर वक्त हर कहीं पर भी, मतलब कभी भी काम में आ जाते हैं कहीं पर भी, तो काफ़ी सारे दोस्त बनते हैं। आपके भी बने होंगे ऐसे दोस्त, तो बताइए कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताइए आपके भी ऐसे ट्रैवलर दोस्त कौन कौन है, उन्हें टैग करके लगे। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं कि अगर कोई प्लेस छूट जाती है हमसे गलती से, या कुछ हमें पता नहीं है उस बारे में लेकिन छूट जाती है, तो आप वैसा कमेंट बॉक्स में बता के रखिए। मतलब नेक्स्ट टाइम हम उसे कवर करने का ट्राई करेंगे, सैटरडे संडे या कुछ राइड का प्लान करके उस जगह को भी कवर कर लेंगे अगर छुट्टी होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ऐसे देखने जाए ना खानदेश घूमने के लिए, वन मंथ भी कम है। अगर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करना अगर हुआ ना खानदेश, तो वन मंथ भी कम पड़ेगा, इतना खानदेश बड़ा है। रोड देखिए क्या बढ़िया रोड है यार, राइड करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है ये रोड पर। तक अगर 2 किलोमीटर दिया है, तो ये देखिए यहाँ से हम ओमकारेश्वर भी जा सकते हैं, इंदौर भी जा सकते हैं, रतलाम भी जा सकते हैं। तो मुक्ताई मंदिर अकड़े जाने का मार्ग, तो ये मंदिर का रास्ता यहाँ पे बोर्ड दिया हुआ है, राइट लेके जाना हमें। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी मान्यता है यहाँ की। मंदिर का पूरा रिनोवेशन का काम चल रहा है अभी पूरा, यहाँ पे अच्छे से पार्क कर देते हैं बाइक सबकी। इकडून आली ना आता आळंदीवरून आली मुक्ता, तर ते तिकडनं येत 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 तिथं चांगदेवावरती, चांगदेव महाराजवरती समाधीला बसत होते ना, मग तिथं प्रेता पडलेल्या होत्या। मग मुक्ताबाई म्हणते, बा दादा ही काय आहे? ते म्हणे की ताई, हा चांगदेव महाराज आहे ना, 6 महिने समाधीमध्ये बसतो, त्याच्या बादमध्ये उठला की त्याच्या नजर फिरली जिवंत होऊन चालले जातात लोक। म्हणे यांचं पूर जीवन हे होतेच ना, मग मी करून दाखवले तर म्हणे, ते म्हणत तुझी मरली, ती उठली कुत्र्याची हड्डी पडलेली होती अशी, ती हड्डी उचलली अशी घेऊन फिरून आली, ती हड्डी अशी फिरली, त्या हड्डीचा कुत्रा झाला, तो कुत्रा ठेवून ठेवून करतो मागच्या घरीला। मग इकडे लोक म्हणत की प्रेत जिवंत झाले,
ते म्हणे जाऊ नका तुम्ही थांबा. ते थांबले म्हणे की काय आणि हे तुमची माती आहे म्हणे शरीर सर्व बरोबर तुमचं जीवन तर निर्जीव हे आहे म्हणे तुमच्या जीवाला मरण नाही आहे म्हणे अमर आहे म्हणे तुमचं जीवन तर तुम्ही जर असं जर हे करसान म्हणे तर मग चांगल्या महाराज समाधीच घेत रे तर उठतच म्हणजे इथून ते जीवन तर करून आळंदी लागेल आळंदी लागेल. मी असं निकललो आहे चांगदेव महाराज के दर्शन के लिए तो चलिए अभी जैसे हम आए थे वापस पीछे जाना है वहाँ पे एक फाटा आता है राइट साइड में टर्न लेना है हमें चांगदेव महाराज जाने के लिए और वहाँ से हम जाने वाले हैं सौदा. पाल जाने का प्लान था लेकिन टाइम बहुत हो चुका है तो शायद से सौदा में स्टे करना होगा हमें और कल सुबह हम जाएंगे पाल के लिए. वहाँ पे रुक गए जाने से पहले चाय पीनी थी. टाइम हो चुका है 5:30 और आलसी का थोड़ा सिर दुख रहा था और ऐसे पेन हाँ तो चाय बनती है क्योंकि चाय लवर है भाई चाय तो कंटिन्यू लगती है धूप कितनी भी हो है ना आलसी. शांत हुआ दिमाग शांत हुआ तो सामने का व्यू देखिए और सूरज देवता भाई ये नज़ारा देखिए क्या लग रहा है यार बढ़िया ऐसा बढ़िया गढ़ ऐसा ब्यूटीफुल सनसेट उसके साथ हमारी ये गाइड चल रही है काफ़ी मज़ा आ गया यहाँ गाइड करते हुए. तो यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पे गाइड लेना है चांगदेव मंदिर जाने के लिए. देखिए सिद्धेश्वर चांगदेव महाराज मंदिर तापी पूर्ण संगम अभी चलिए अंदर जाते हैं चांगदेव महाराज जी के दर्शन लेते हैं और आपको भी दर्शन करा देता हूँ मैं. तो अभी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं ये पीछे जो देख रहे हो ना नदी में ये पूर्णा नदी है और इस साइड से तापी ये दोनों एक पूर्णा इधर से आती है तापी उधर से आती है दोनों का संगम यहाँ पे होता है और फिर वो जाती है इस साइड गुजरात. रात का स्टे हमारा सौदा में होने वाला है और काफ़ी बढ़िया सा फीलिंग है यार यहाँ पे काफ़ी शांति है और यहाँ की हिस्ट्री भी काफ़ी बढ़िया है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप बाद में शांति से पढ़ लेना काफ़ी बेस्ट हिस्ट्री है और घूमने के लिए तो काफ़ी बढ़िया प्लेस है मतलब आप अगर वन डे ट्रिप करना चाहते हो तो ये 2-3 प्लेसेस जो आज हमारे लॉग में आपने देखी है आप वन डे ट्रिप आराम से प्लान कर सकते हो यहाँ पे सब आने के लिए. तो अभी 7 बज चुके हैं और अंधेरा हो चुका है तो आगे का मोटो ब्लॉग आपको देखने नहीं मिलने वाला है. तो अभी सौदा में हम स्टे करने वाले हैं तो वहाँ पे जाने के बाद सीधा रूम पे मिलते हैं. होटल कौन सी करने वाले क्या करने वाले सब डिटेल मिलेगा होटल पे जाने के बाद. तो स्टे ट्यून होटल पे जाते हैं और मिलते आगे. तो हम फेसपुर में आ चुके हैं होटल झोपड़ी में आ चुके हैं हमें हमारे मिलिंद भाई मिले यहाँ पे तो वो बोले कि हमारे दोस्त मतलब उनकी होटल है यहाँ पे उनके तरफ से हमें स्पॉन्सरशिप है खाना खाने उन्होंने बुलाया यहाँ पे इनसे मिले ये मिलिंद भाई हमारे यही सब जो मैंने बताया वही है. तो इनके तरफ से सब आज का नियोजन इनके तरफ से हमारा शाम पेट भर खाना हो चुका है हमारा होटल झोपड़ी पे यहाँ के टेस्ट सच्ची में काफ़ी बढ़िया है. अभी निकलते हैं रूम पे क्योंकि अभी वीडियो एडिटिंग भी करनी है और लॉक का एंड यहीं पे कर देते हैं. आप सबको आज के सिनेमैटिक शॉट कैसे लगे वो बताना तो और कैसी प्लेसेस घूमे आज हम वो कैसी लगी वो भी बताना. तो मिलते आने वाले एक सही लॉग में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.